नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू DIY J&K। आज के एपिसोड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ स्टार क्यू की वेल्डिंग मशीन की फर्स्ट यूजेज। अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आई बटन पे प्लीज़ ऊपर क्लिक करिए और उसे भी देख लीजिए। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको कि मैं प्रोफेशनल वेल्डर को बुलाऊंगा और उनसे ही ये फर्स्ट यूजेज करवाऊंगा, क्योंकि प्रोफेशनल वेल्डर जो हैं वो ज़्यादा जानते हैं मशीन्स के बारे में। तो इसीलिए मैंने अपने एरिया के अपनी लोकेलिटी के वेल्डर से बात की और वो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो मान गए मेरे घर आके इस वीडियो को शूट करने के लिए। तो मैंने ये रिव्यू उन्हीं से करवाया और एक अच्छी बात ये रही कि जो वेल्डर थे वो भी इसी मशीन को अपनी शॉप पे यूज़ कर रहे थे, तो ऑलरेडी इम्प्रेस थे स्टार्क्यू की वेल्डिंग मशीन से और इस मशीन को भी उन्होंने यूज़ करके दिखाया और एक बहुत ही ब्यूटीफुल वेल्डिंग जो है करने का तरीका जो है हमें डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो चलिए दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ARC है और ये है 200 एम्पीयर की, और जैसे कि हमें पिछली मशीनों से बहुत दिक्कत पड़ती थी, कहीं पे बाहर काम करने के लिए जाना पड़ता था। मैं खुद एक वेल्डर हूँ, मैं अपने वेल्डर भाइयों के लिए बोल रहा हूँ जो वेल्डिंग लाइन में है, कि हमें बाहर से कनेक्शन लेना पड़ता था, हमें बहुत ही दिक्कत होती थी उन मशीनों को उठाने में। ये 2.5 किलो की मशीन है, बिल्कुल लाइट वेट मशीन है, इसको हम कहीं पर भी उठा के ले जा सकते हैं और कहीं पे भी काम कर सकते हैं। खासकर मकानों में जैसे कि प्लग लगे हों, हमें बाहर से कनेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई भी मेन तार से। ये होता है अर्थ न्यूट्रल के लिए, इसको हम जब भी यूज़ करेंगे, गौर से देख लीजिए आप, इसको हम माइनस पे यूज़ करेंगे, घुमा के ये बिल्कुल लॉक हो जाता है, ना ये बाहर निकल पाएगा ना कुछ। और ये है इसका मेन होल्डर वाला, अच्छी तरह से देख लीजिए, और अच्छी सेफ्टी है इसकी, दूसरे होल्डरों की तरह नहीं है, बिल्कुल भी टूट जाएगा, नरम पड़ जाएगा। इसको लगाएंगे हम प्लस पे, प्लस पॉइंट पे लगाएंगे जब इसको, तो फिर हम इसमें रॉड डाल के इसकी चेकिंग करेंगे किसी लोहे के टुकड़े पे, आपको इसका नमूना दिखाएंगे कि इसकी कैसी सफाई आएगी कैसी नहीं आएगी। और पीछे इसका ऑन ऑफ सिस्टम है, आप देखते होंगे कि इसमें लाइट नहीं है, ये वहाँ पे ऑन कर दिए, अब इसको ये पीछे दिएगा, अभी ऑन हो गई है। आप आगे से भी इसको देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि सब दोस्तों ने ये देख लीजिए, ये एम्पेयर का बताया है कि हमें जहाँ पे लाइट कम पड़ती है और कहीं पे ज़्यादा भी पड़ती है, तो हम अगर ज़्यादा पड़ेगी तो हम कम वोल्टेज इसको कम कर लेंगे तो हम वेल्ड कर लेंगे, अगर हमें कम पड़ती है तो हम इसको ज़्यादा कर लेंगे। ये 205 तक लॉस जाता है। ये मैंने अर्थ लिया और मैंने अर्थ लगा दिया इस पर, अब अर्थ लगाया है, अर्थ लगा के मैं आपको इसकी चेकिंग बताऊंगा कि इसकी सफाई कितनी है और कितनी नहीं है। और मैं अभी इसकी आपको इसकी सफाई बताऊंगा कि ये कितनी सफाई देता है और कितनी नहीं, ये आपको मैं इसकी सफाई बताऊंगा, अभी आप देख लें। ये देख लीजिए आप, ना तो ग्राइंडिंग भी हमें ज़रूरत पड़ेगी ना ही कुछ। आपने देखा होगा जो भी कॉइलों की मशीन होती थी बड़ी बड़ी, उनमें ये सफाई बिल्कुल भी नहीं थी। अब मैं आपको बैक साइड भी बता सकता हूँ, ये मैंने आपको इसका जो भी वर्क पीस पे बताया था, ये कलर पे बताया था,
जोर से लग रहा है। ये मत छोड़ना जी। ये देख लीजिए, मैंने इसको वेल्ड किया है, अभी एक दो मिनट में ठंडा हो जाएगा बिल्कुल। फिर आपको मैं इसकी सफाई बताऊंगा कि ये कैसी है कि कैसी नहीं। ये देख लीजिए दोस्तों, अभी एक ही बार की लेयर है तो आप इसकी सफाई देख सकते हैं और कितना सफाई से आया इसका टाँका और कितना अंदर तक गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। ये है स्टार क्यू की खासियत। मैं अपने दोस्तों से यही बोलूँगा कि अगर आपको मशीन जब भी लेनी हो स्टार क्यू की लेना और किसी कंपनी की मत लेना। तो दोस्तों आज था मेरी तरफ से बस इतना ही। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए। और अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें वीडियो को और अपने सोशल मीडिया पे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।